So basically, it was more of like we belong from a same college and we were in the same batch. It was a coincidence. We never saw each other in the college. So we do had a common friend circle and we do like my father also know his parents. Reason that the family was also good when I met him for the first time. The first thing I liked about him was his family because he was too introvert. I was not aware how he is. हमारी बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स होती थी. वो बोलती थी मैं मारती थी, तो ये चीज़ चलती रहती थी. सबसे ज़्यादा तो वो याद आता है. फिजा आई लव यू एंड आई मिस यू द मोस्ट. यू नो डैट आई डोंट एक्सप्रेस बट या कि ठीक है, इतना तू जा रही है तो इतना तो कर ही सकती. बस ये लाइन काफ़ी है तेरे. अभी प्राइड वाली फीलिंग आ रही थी. अमेजिंग. अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है. अलग तुझ में असर कुछ है के दिखता नहीं मगर कुछ है. फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस, एक नजर बस, एक नजर तक के लगे भी तो किधर. अब और किधर दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको. गलत तुझ में अगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है. बहुत नॉटी थी, आज भी नॉटी है किसी को मार के भागने वालों में से. बेटी है मेरी, बोरी डॉटर लॉ नहीं, हमारी वो बेटी है. और हमें बेटी के साथ तो हमेशा बहुत ही अच्छा लग रहा है. साथ में भी खुश है, विजा भी खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख कर. Yeah.
आपने वो गीत देखे जब भी मेट की एग्जैक्टली हमारी फिजा है, उसका एक ही डायलॉग था, बाय गॉड मुझे बचपन से शादी करने का बड़ा शौक है, और उसका एक ही होता था, मेरा दूल्हा कब मिलेगा, मेरा मिस्टर परफेक्ट कब मिलेगा। सो फाइनली आज सार्थक जीजू की तरह उसको उसके मिस्टर परफेक्ट मिल गए। जैसा उसका नाम बोलता है फिजा, वो हवा है, वो उड़ती है, वो खुशियाँ फैलाती है, वो पॉजिटिविटी लेके आती है, जैसे कि हमने बोला प्यारी दोस्त भी है, बट जान है हमारी और हमारे ग्रुप की शान है। इश्क मिठा